गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं और उनको एकदम स्क्रैच से समझेंगे ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बना पाओ जावास्क्रिप्ट में। लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जितना भी पढ़ा है, हम नॉलेज को थोड़ा सा आगे लेकर जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर एक नई टैब में अपनी स्नैपल को खोल लिया है और यहाँ पर script.js के अंदर हम लोग सारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले नोट्स में देख लेते हैं कि कैसे बनानी है जावास्क्रिप्ट में। हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्लास इज एन एक्सटेंसिबल प्रोग्राम कोड टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडिंग इनिशियल वैल्यूज फॉर स्टेट मेमोरी वेरिएबल्स एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिहेवियर मेथड फंक्शंस। पता है, कुछ समझ में नहीं आया लेकिन मैं आपको समझाने ही तो आया हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बाय द वे विकीपीडिया डेफिनेशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, क्लास इज एन एक्सटेंसिबल प्रोग्राम कोड टेम्पलेट। अब देखो, मान लो आप लोग जाते हो रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। आप कहते हैं यार मुझे रिजर्वेशन का फॉर्म दे दो। आप रिजर्वेशन का फॉर्म लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो, कहते ला यार मुझे रिजर्वेशन का फॉर्म दे दो। आपको रिजर्वेशन का फॉर्म मिल जाता है। अगर कोई दूसरा इंसान आता है और वो कहता है कि यार मुझे रिजर्वेशन का फॉर्म दे दो, तो उसको भी वही फॉर्म दिया जाएगा जो कि आपको दिया गया है, क्योंकि वो फॉर्म एक टेम्पलेट है। उस फॉर्म को एक फाइल से मे बी 1000 प्रिंटआउट्स निकाले गए हों और उसकी गड्डी रेलवे स्टेशन पर रख दी हो और बोल दिया गया हो स्टेशन पर्सनल को कि यार जो भी इंसान आएगा उसको दे देना ये फॉर्म, वो भर के अपना फॉर्म जमा करके अपनी ट्रेन का रिजर्वेशन करा लेंगे जिसमें भी जाना है। अब अगर आप लोग ने कभी भी जनरल में ट्रैवल नहीं किया है तो आप लोगों को शायद ना पता हो, बट जनरल में थोड़ा सा हाल अजीब रहता है। आप सिंपली टिकट लो और चले जाओ, उसकी बात नहीं हो रही है, रिजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन करा लेते हैं लोग, बट फॉर्म लेके भी आप कर सकते हो रिजर्वेशन। मेरा पॉइंट क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लास एक टेम्पलेट होती है। क्लास को मान लो वो ब्लैंक फॉर्म जो कि दिया गया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जब आप अपना नाम लिख देते हो, मान लो आपने लिख दिया रितेश यादव, ठीक है, उम्र 23 साल, आपने लिख दिया उसमें कि भाई मुझे बैठना है, अपर बर्थ मेरी प्रेफरेंस है। आपने लिख दिया भाई एक काम करो कि मेरा करा दो सेकंड एसी का टिकट, ठीक है। इस तरह से आपने भर दिया पूरा, ठीक है, और आपने जो है दे दिया उनको कि भाई मेरा कर दो रिजर्वेशन पैसों के साथ। तो वो एक ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि आपने टेम्पलेट का इस्तेमाल करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब वो फॉर्म कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने उससे उसमें पेन से लिख दिया है रितेश यादव, आपने अपना नाम लिख दिया है उसमें, तो कोई और इस्तेमाल थोड़ी ना कर सकता है उसको। तो क्लास एक टेम्पलेट थी, जो कि अगर शायद नहीं होती तो आपको कितनी परेशानी होती फॉर्म भरने में। अगर आपको मैं ब्लैंक पेपर देता, फॉर्म नहीं देता, तो आप कहते क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, क्या नाम लिखूँ, पता लिखूँ, क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, आपको पता ही नहीं होता। इसीलिए एक टेम्पलेट बनाई गई जो कि क्लास है। अब उसको अपने हिसाब से भर लो, यानी कि ऑब्जेक्ट बना लो, और इसी टेम्पलेट से हज़ारों लोग जो है अपनी अपनी ट्रेन्स का रिजर्वेशन करा रहे हैं। वो एक जेनेरिक फॉर्म बना दिया गया है, उससे अगर आपको शताब्दी में ट्रैवल करना है तो उसे भरो, अगर आपको सेकंड एसी में ट्रैवल करना है लेट अस से राजधानी के तो करो, अगर आपको दुरंतो में ट्रैवल करना है तो भर दो उसको, अगर आपको जो है बाग एक्सप्रेस में करना है ट्रैवल तो आप कर लो। मतलब यू गॉट द पॉइंट यार, ठीक है। मैं किसी ट्रेन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्लास एक टेम्पलेट है, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक आप कह लो कि क्लास से बना हुआ एक एंटिटी, ठीक है, एक एंटिटी है। तो चलो यार इसका कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या इसका सिंटेक्स है, क्लास लिखो और इस तरह से आप जो है इसको भर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से क्लास लिखो और मान लो मैं लिखता हूँ रेलवे फॉर्म, ठीक है, और सिंपली मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से इसको भरना शुरू कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने मेथड्स वगैरह डाल दूँगा। कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे क्या होता है, ठीक है, उसको मैं भी एज इट इज़ लिख देता हूँ, नहीं भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ मेथड्स जैसे कि सबमिट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा अलर्ट, और लिखूंगा फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। फिर मैं एक और मेथड लिख सकता हूँ यहाँ पर, लेट अस से मैं लिखता हूँ कैंसिल, मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा अलर्ट और मैं लिखूंगा This form is cancelled, ठीक है। तो चीज़ों को सिंपल रखते हुए मैं यहाँ पर लिखूँगा सबमिट, और मैंने लिखा अलर्ट फॉर्म सबमिटेड। मैं कैंसिल अगर चाहूँगा करना तो कर पाऊँगा। अब मान लो दो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, एक तो हैरी करना चाहता है, वो कहता है यार मुझे भी दे दो फॉर्म, तो उसको भी एक फॉर्म दे दिया जाएगा। अच्छा, अगर मान लो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती तो फॉर्म्स मान लो PDF दे रहे होते तो एक ही तो फाइल की कॉपी बना बना के दी जाती ना, ये बात तो आप सब मानते हो। तो क्योंकि एक ही फाइल की कॉपी बनाकर दी जाती है, इसीलिए जो है न्यू रेलवे फॉर्म जब हम लिख रहे हैं यहाँ पर तो सेम ही क्लास से हम लोग इनहेरिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी यार वही सीन है, ठीक है। अब मान लो रोहन भी ट्रैवल करना चाहता है, तो
रेलवे फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, लेट हैरी इज इक्वल टू न्यू रेलवे फॉर्म, लेट रोहन इज इक्वल टू न्यू रेलवे फॉर्म, ठीक है। अब मान लो कि हैरी और रोहन दोनों खुशी खुशी अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, हैरी ने किया, रोहन ने किया, ठीक है। अब मान लो रोहन कहता है यार मैं नहीं जा रहा, ठीक है, तो रोहन को करना पड़ेगा कैंसिल फॉर्म, ठीक है। तो दो बार सबमिट होगा फॉर्म, एक बार कैंसिल होगा, और ये हम यहाँ पर देख पाएंगे, अभी देखना आप लोग, मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो फॉर्म सबमिटेड और फॉर्म सबमिटेड, और एक बार फॉर्म कैंसिल भी होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई, तो कैंसिल मैंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ, एक्चुअली स्पेलिंग गलत हो गई, अभी मैं इसको रिलोड करूँगा और कंसोल भी देख लेते हैं यार, कोई एरर नहीं होना चाहिए, दो बार सबमिट होगा एक बार कैंसिल होगा, ठीक है, देख लेते हैं कंसोल यार। तो रोहन डॉट कैंसिल इज नॉट अ फंक्शन आ रहा था, बट नाउ दिस फॉर्म इज कैंसिल्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो क्लासेस होती हैं उसको मॉडल किया जाता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब ऐसे मॉडल किया जाता है जैसे कि आप समझ लो हम गेम बना रहे हैं, मान लो प्लेयर क्लास बनेगी, तो प्लेयर क्लास में वही मेथड्स होंगे जो जो प्लेयर कर सकता है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है, ऐसा करने से कोड को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, हम कहेंगे कोड रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। मैं अगर आप लोग को एक रैंडम सा कोड दूं जो कि चार पांच फंक्शंस में घूमता हुआ आ रहा है तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर एक क्लास में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड जो है वो चल रहे हैं, जैसे कि मुझे पता चल रहा है यहाँ पर हैरी डॉट सबमिट पढ़ते ही पता चल रहा है कि हैरी ने कर दिया अपना फॉर्म सबमिट, ठीक है। और अगर मैं इसका नाम थोड़ा और बढ़िया करके रख देता, हैरी फॉर्म रख देता, तो यह समझ में आ रहा है कि हैरी का फॉर्म हो रहा है सबमिट, हैरी फॉर्म डॉट सबमिट, क्योंकि ये हैरी फॉर्म ही तो है, रेलवे फॉर्म से मैंने हैरी का फॉर्म बनाया, ठीक है, उसको भर के। और ये करने के बाद मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर हैरी फॉर्म डॉट फिल कर दूँ और मैं कहूँ कि मैं इसमें अपना नाम डालना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं एक फिल मेथड बनाऊँ जो कि लेता है नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूँ नेम दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब आप लोग कहोगे यार ये क्या कर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर कैंसिल करते वक्त लिखूँ नेम प्लस दिस फॉर्म इज कैंसिल, ठीक है। तो मैं जब हैरी का फॉर्म बना रहा हूँ और मैं मान लो रोहन का भी फॉर्म बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर रोहन फॉर्म करता हूँ, और मैं अभी आप लोग को समझा देता हूँ, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली। दिस क्या है, अब आप कहोगे यार दिस तो यार बड़ा कंफ्यूजिंग बता दिया आपने यार, आप कहोगे नहीं मैं आपको बताता हूँ क्या है दिस। देखो जब मैं फिल कर रहा हूँ फॉर्म को, मैंने एक मेथड बनाया फिल, ठीक है, मैंने कहा कि ये नेम लेगा, दिस डॉट मतलब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है नेम, इसको फिल कर दो। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इसका नाम इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मैंने प्रॉपर्टी का नाम भी नेम रख दिया, इसका नाम भी नेम रख दिया, मैं इसका नाम गिवन नेम रख दूंगा, ठीक है। आपने गिवन नेम क्या दिया, हैरी दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हैरी फॉर्म, इसके साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएट हो जाएगी जो कि है नेम, और उसका नाम होगा क्या, हैरी। तो जब भी मैं इसका नाम प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो है ये मिल जाएगा, और मुझे यहाँ पर दिस डॉट नेम लिखना पड़ेगा, ना कि सिर्फ नेम। तो दिस डॉट नेम मैं जैसे ही करूँगा यहाँ पर हैरी दिस फॉर्म इस कैंसल्ड ऐसे लिख कर आएगा, ठीक है। तो मैं ज़रा आपको पहले चला कर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है डिटेल में एक बार और बात करेंगे। देखो फॉर्म सबमिटेड हुआ और रोहन इज नॉट डिफाइंड, कहाँ गए भाई तुम, रोहन डिफाइंड क्यों नहीं हो, ठीक है। और अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बने रहो वीडियो में, मैं भी समझाऊंगा दोबारा से, ठीक है, जस्ट आपको भी चला के दिखा रहा हूँ। फॉर्म सबमिटेड रोहन दिस फॉर्म इज कैंसल्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले कहा क्रिएट अ फॉर्म फॉर हैरी, ठीक है, एक फॉर्म दे दिया रेलवे वाले ने, कहा लो भाई हैरी भाई लो फॉर्म ले लो अपना, खाली फॉर्म दे दिया, उसमें सिर्फ मतलब वो जो छपी हुई इंक होती है नेम और ये सब लिखा हुआ है, नाम पता एज ये वो पता है, कौन से ट्रेन में बैठना चाहते हो, ये सारी डिटेल्स। अब फिल द फॉर्म विद डिटेल्स, ठीक है। सेम काम हम रोहन के साथ कर, कि एक फॉर्म हम बना रहे हैं रोहन के लिए, हम फॉर्म्स का एरे भी बना सकते हैं, ठीक है, बट अभी मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाऊंगा, क्योंकि जस्ट मैं आपको भी समझा रहा हूँ। फिल द फॉर्म विद रोहन्स डिटेल, तो मैं यहाँ पर रोहन लिखता हूँ, रोहन्स डिटेल्स, ठीक है, और रोहन फॉर्म डॉट फिल हमने ये कर दिया। अब जब हम सबमिट कर रहे हैं हैरी फॉर्म डॉट सबमिट, तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ दिस डॉट नेम प्लस और मैं योर फॉर्म इज सबमिटेड, तो क्या होगा, जिसका भी नाम है रोहन के लिए चलाऊंगा तो यहाँ लिख कर आएगा रोहन, क्योंकि मैंने फिल से नाम को सेट कर रखा है, रोहन योर फॉर्म इज सबमिटेड, यहाँ पर लिख कर आएगा रोहन योर फॉर्म इज कैंसल्ड, या फिर अगर मैं हैरी के लिए चलाऊंगा तो हैरी योर फॉर्म इज कैंसल्ड ऐसे आएगा। तो हैरी फॉर्म डॉट सबमिट करूंगा तो सबमिट हो जाएगा, रोहन फॉर्म डॉट सबमिट करूंगा तो ये मेथड रन हो जाएगा,
हैरी के लिए और रोहन के लिए, ठीक है, जिसके लिए भी मैं चलाऊंगा। और फिर क्योंकि सिर्फ मैं रोहन का कैंसिल कर रहा हूँ फॉर्म, तो कैंसिल मेथड सिर्फ रोहन के लिए चलेगा। और अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे नाम भी आएंगे। देखो, हैरी योर फॉर्म इज सबमिटेड, रोहन योर फॉर्म इज सबमिटेड, रोहन योर फॉर्म इज कैंसिल, ठीक है, दिस फॉर्म इज कैंसिल, जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं प्रॉपर्टीज एसोसिएट कर सकता हूँ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि यार इस ऑब्जेक्ट का नाम कर दो हैरी, इस ऑब्जेक्ट का नाम कर दो रोहन। अब मान लो ट्रेन नंबर भी देना चाहता हूँ मैं, मान लो मैंने डिसाइड किया यार ट्रेन नंबर तो हमने लिखी नहीं, मान लो मैं 143 ट्रेन नंबर से ट्रैवल करना चाहता हूँ, या 145316, और रोहन करना चाहता है इस ट्रेन से, ठीक है, 12222, ताकि आपको याद रहे। ये बड़ी विचित्र सी ट्रेन है मान लो, ठीक है, मान लो इस ट्रेन का नाम ये है। और मैं एक काम करता हूँ, एक 420 लगा देता हूँ एंड में, ताकि याद रहे हम लोगों को, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जब मैं फिल मेथड चला रहा हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पर एक तो नाम दिया और एक नंबर दिया, तो मुझे यहाँ पर भी तो उस नंबर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ट्रेन नंबर, ठीक है, दिस डॉट ट्रेन नंबर इज इक्वल टू ट्रेन नंबर। अब मैं इन दोनों वेरिएबल्स को सेम कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों को हम सेम भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पर नेम करूँ या गिवन नेम करूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा था गिवन नेम ये है जो कि आ रहा है, और दिस डॉट नेम वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जो कि मैंने बनाई है। सिमिलरली ट्रेन नंबर वो है जो आ रहा है, और दिस डॉट ट्रेन नंबर मैंने इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करी है। इन दोनों के नाम सेम है, कोई बात नहीं, हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, सबमिट में हैरी योर फॉर्म इज सबमिटेड विथ ट्रेन या फॉर ट्रेन नंबर, मैं यहाँ पर कैंसिल में भी लिखूँगा ये बात। और अगर आप लोग दिस डॉट ट्रेन नंबर, अगर आप लोग यहाँ पर ये चाहते हो कि अच्छी तरह से भर सको स्ट्रिंग को, तो आप टेम्पलेट लिटरल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जो बैकटिक से बनाई जाती है, मैंने आपको बताया था बैकटिक में ऐसे करके डॉलर लगा के आप लोग कर सकते हो, वेरिएबल्स भर सकते हो, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ रेडी है यहाँ पर। अब मैं अगर इसको चलाऊँगा, हैरी योर फॉर्म इज सबमिटेड फॉर ट्रेन नंबर 145316, रोहन योर फॉर्म इज सबमिटेड फॉर ट्रेन नंबर दिस, रोहन योर फॉर्म इज कैंसल्ड फॉर ट्रेन नंबर दिस। अब मान लो रोहन ने दो बुकिंग करा ली, उसने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, रोहन ने सोचा कि यार मैं दो बुकिंग कराऊंगा और दोनों ट्रेन में देख लूंगा जिसमें मुझे मिल गया, तो रोहन के दो फॉर्म्स हो जाएंगे, एक रोहन फॉर्म वन हो जाएगा, एक रोहन फॉर्म टू हो जाएगा, हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक हम फिल करेंगे मान लो 420 के साथ साथ उसने 9211 भी जो है ट्रेन नंबर बुक कर रखी थी। अब वो कैंसिल करना चाहता है सिर्फ जो है हमारी 420 वाली ट्रेन, ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो हमने क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो हम क्या करेंगे, रोहन फॉर्म वन को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये 420 वाली है, ठीक है, और यहाँ पर रोहन फॉर्म वन और रोहन फॉर्म टू दोनों को सबमिट करेंगे, ठीक है, और रोहन फॉर्म वन को कैंसिल कर देंगे। तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पर फॉर्म्स कर देता हूँ, तो हम मल्टीपल फॉर्म्स भी बना सकते हैं, जितने मन चाहे हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। इसको टू कर देता हूँ और इसको भी टू कर देता हूँ, और हाँ अब ठीक है, अब सेव करता हूँ। रैपलेट थोड़ा सा टाइम ले लेता है सेव होने में। अब जो है इसको मैं रिलोड करूँगा, और आप देखो योर फॉर्म इज सबमिटेड, योर फॉर्म इज सबमिटेड 420 9211, ठीक है। अब लेकिन आपने 420 कैंसिल कर दिया, रोहन को बताया जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ गए। अगले वीडियो में कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, और इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके थोड़ा और इंप्रूव करेंगे, और ये देखेंगे ऐसे कंस्ट्रक्टर की सहायता से चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है, और कंस्ट्रक्टर क्यों हम सभी को यूज़ करना चाहिए। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है, तो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें, यहाँ क्लिक करके सेव करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।